बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लाउज में लूजिंग देने में प्रॉब्लम आती है, उनको समझ में नहीं आता है कि कॉलर ब्लाउज है तो उसमें कितना लूजिंग दे, बोटनेक ब्लाउज है तो उसमें कितना लूजिंग दे, अगर डीपनेक ब्लाउज है तो उसमें कितना लूजिंग दे, सिंपल ब्लाउज है उसमें कितना लूजिंग दे। तो आज की वीडियो में आप कंप्लीट जानने वाले हैं कि लूजिंग कितना दिया जाता है कौन सी ब्लाउज में, ताकि आपकी ब्लाउज परफेक्ट आए, ग्रिपिंग अच्छी हो, फिटिंग अच्छा आए, कहीं से भी झोल झपाट नहीं दिखे। इसके लिए बेसिक कुछ चीज समझ लीजिए। डी से मेरा मतलब है डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे हम डिजाइन की बात करेंगे, जैसे कि बोटनेक कॉलर वाली या जो भी ब्लाउज है उसके बारे में इस कॉलम में हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे यू सी के मतलब अपर चेस्ट है, ठीक है, और फुल ब्रेस्ट है एफ वी के मतलब, और डब्ल्यू के मतलब कमर है, ठीक है, ब्रेस्ट। तो इस कॉलम में हम कमर के लिखेंगे, इसमें हम फुल ब्रेस्ट लिखेंगे, इसमें हम अपर चेस्ट लिखेंगे, और इसमें हम डिजाइन का लिखेंगे। आपको ध्यान से समझना है, छोटा वीडियो है, 5 से 7 मिनट की टाइम निकालकर आप वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले हम सादा ब्लाउज की बात करते हैं जिसमें हम ना अस्तर देंगे। सादे ब्लाउज में आप अगर अस्तर नहीं देते हैं तो की मैं बात कर रहा हूं, अस्तर आप नहीं देते हैं और उसमें अगर डीप गला है, डीप गला है तो आपको उसमें लूजिंग देने की जरूरत नहीं है, अपर चेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो फुल ब्रेस्ट में आप 1 इंच लूजिंग दे सकते हैं, डीप गले की बात कर रहा हूं मैं, और कमर में जो है 0.50 काफी है, अगर आप चाहिए तो 1 इंच आप दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। सादा ब्लाउज जो कॉटन ब्लाउज होते हैं उसकी बात कर रहा हूं, अपर चेस्ट में आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, फुल ब्रेस्ट में आप 1 इंच तक दे सकते हैं, अगर लगे आपको तो नहीं देंगे तो भी चल जाता है, कमर में भी 0.5 इंच से लेकर 1 इंच तक दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी बैठ जाता है। अगर किसी महिला की पेट पे यानी चर्बी ज्यादा है, वहां पे ज्यादा वो है, तो आप उसमें दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि उनको बैठने के टाइम पे दिक्कत होने लगता है, अगर फुल टाइट आप बना देते हैं तो, और टाइट करके ब्लाउज पहनते हैं, तो वहां पे आप 0.5 से 1 इंच, 0.5 इंच ज्यादा से ज्यादा लूजिंग दीजिए, ताकि बैठने में दिक्कत ना हो कमर के पास, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर सादा ही मैं फिर से लिख रहा हूं, अगर इसमें डीप नेक नहीं है, समझ गए, तो आपको क्या करना है, डीप नेक नहीं है, अगर 6 इंच 7 इंच का गला है तो उसमें आपको यहां पे 1 इंच, यहां पे 1.50 और यहां पे सेम जो इसमें दिया है वो, समझ गए, 7 नहीं है 1 है, ध्यान रखिएगा, 1 इंच 1.50 और यहां पे ऊपर का सेम। अगर गला डीप नहीं है तो, अगर आप इसमें अस्तर लगाते हैं तो भी आप क्या करना है, आपको 0.50, जैसे कि डीप नेक भी है और अस्तर भी लगा रहे हैं तो अस्तर में थोड़ा सा कम होता है, फिर यहां पे 1 इंच और यहां पे सेम, ये आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों आपका कंफर्म हो चुका है। अब कॉलर ब्लाउज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, कॉलर ब्लाउज की, कॉलर ब्लाउज में ध्यान से समझिएगा क्या है कॉलर ब्लाउज में, कॉलर ब्लाउज में नेक डीप नहीं होता है, नेक ब्रॉड नहीं होता है, अगर उसमें आप अस्तर लगा रहे हैं 1 इंच 1.50 और यहां पे सेम जो ऊपर दिया है सेम, अगर आप इसमें अस्तर लगाते हैं तो ए वाली है, और नहीं लगाते हैं तो भी सेम आपको रखना है। अब इसमें करना क्या है, आप इसमें 1 इंच से लेकर और 1.50 भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं, तो दोनों सेम कंडीशन आएगा, अस्तर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं दोनों में कॉलर ब्लाउज में सेम आएगा, 1 इंच से लेकर और 1.5 इंच तक अपर चेस्ट में और 1.5 इंच फुल ब्रेस्ट में कंपलसरी, दोनों में अस्तर लगा रहे हैं तो भी, नहीं लगा रहे हैं तो भी, क्योंकि वो ब्लाउज ही अलग होता है। अब बोट नेक की बात कर लेते हैं, ठीक है, बोट नेक में अस्तर लगा रहे हैं तो भी, नहीं लगा रहे हैं तो भी, दोनों में सेम आपको रखना है, बोट नेक में क्या है 1-1 इंच,
और यहाँ पे सेम, ये वाली सेम। इसमें मैं बताया हूं कि नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें बाकी इसमें आप आधा इंच से एक इंच देना है आपको, समझ गए। तो बोट नेक में एक एक इंच देना है आपको, इससे ज्यादा नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि हमें और देना चाहिए तो आप 0.25 बढ़ा सकते हैं इसमें भी और इसमें भी, ओके। और यहां पे अगर उससे भी लगे तो 1.5 कर लीजिए दोनों में, अस्तर बोटनेक दोनों। डाउट क्लियर है कि किसमें आपको कितना लूजिंग देना है, कैसे देना है। लेकिन एक चीज अभी और बाकी है, बाकी क्या है, बाकी ये है कि आप इसको कैसे लूजिंग जो है वो कहां देंगे, वो चीज समझिएगा। देखिए ये हमारा होता है अपर चेस्ट, मैं निशान लगा के बताता हूं, और ये हमारा हो जाता है फुल ब्रेस्ट, और ये हमारा होता है कमर, ठीक है। तो जो लूजिंग जो मैंने बताया है उस लूजिंग को आपको बैक में काउंट नहीं करना है, उसको आपको काउंट करना है फ्रंट में। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा, 36 इंच अगर आपका चेस्ट आ रहा है, फुल ब्रेस्ट या चेस्ट जो भी एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसमें चौथे भाग जो आएगा 36 का, वो 36 का चौथे भाग 9 इंच आएगा, तो 9 इंच आपको पूरा का पूरा बैग में रख देना है। और फ्रंट की साइड में जो है, फ्रंट में क्या करना है आपको कि फ्रंट में आपको इसका आधा कर देना है, यानी हमने बैग में आधा दे दिया 36 के आधा 18 इंच, तो अब हमें ये फ्रंट में ये हो गया 18 इंच, और एक इंच और प्लस करेंगे तो 19 इंच हो जाएगा। अब 19 इंच की दूसरी भाग, यानी आधे में हम कटिंग करते हैं, समझिएगा ध्यान से, 19 इंच की दूसरा भाग लीजिए आप, दूसरा भाग कितना हो गया 9.50, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से आपको जितना भी लूजिंग देते हैं उतना सब में करना है, बैक में नहीं देना है, फ्रंट में आपको देना है। फ्रंट में इसलिए देना है क्योंकि बैक जो है ना फ्लैट होता है और फ्रंट में उभार होता है, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है वो फ्रंट में जाता है, बैक में नहीं जाता है। दूसरा नंबर, अगर बैक में गला डीप है तो उसमें और फैल जाता है बैक में, तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन फ्रंट वाली भाग एडजस्ट नहीं होता है, समझ गए। इतना क्लियर है डाउट। अब इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से ताकि आपको समझ में आए, रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज मैंने फिर से बोला, क्योंकि पहली बार में आपको इतना सारा लिखा हुआ चीज समझ में नहीं आएगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF बनाकर लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक चीज और मैं सोच रहा हूं कि अब आप लोगों को मैं लाइव आकर सिखाऊं, हफ्ते में 2 या 3 दिन शाम के टाइम पे लाइव आऊं, तो आप लोग चाहते हैं कि लाइव आकर मैं आप लोगों को बताऊं तो कमेंट्स भी कीजिए और साथ में टाइम बताइए कि कौन से टाइम में मैं लाइव आऊं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को काफी प्रश्न का आंसर मिल जाएगा और लाइव आपको सीखने को और समझने को भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।